तीन युवकों ने एक क्राइम शो देखकर प्लान किया, लगभग एक परफेक्ट क्राइम। उनसे मैं इतनी नफरत तो करता ही हूँ कि उन्हें बर्बाद करने के लिए उनसे दोस्ती तो क्या उनके गले भी लग सकता। कल स्ट्राइक करते हैं। बहुत होगी नेट प्रैक्टिस, सीधा गेम। एक तीर से दो निशान, बदला और पैसा। जगह की सेटिंग हो गई भाई अपनी। कहाँ पे? सरदोली गांव, यहाँ से आधा घंटा दूर है। कैसे मिली? पहचान है, जगह एकदम सेफ है, एकदम सुनसान जगह है, अपने लिए एकदम परफेक्ट है। चलो एक काम तो हुआ। सुन, आज हमने कुछ वीडियो स्टडी की थी, तू दिखा दे से। हाँ दिखा। तीर निशाने पे लगा है। यस सर। महेश गोयल की 16 मार्च तक रोजाना एक नंबर से बात होती थी, 16 मार्च के बाद एक बार भी नहीं, और उसके ठीक चार दिन बाद यानी 20 मार्च को महेश पर हमला हुआ। ये 444567898 ये किसका नंबर है? किसी पूजा जायसवाल का है। 10 में से 8 केस में मोबाइल फोन रिकॉर्ड ने पकड़वाया बंदों को, और इसीलिए हम लोग अपने सेल फोन घर पे छोड़ के जाएंगे। मतलब फर्जी नाम पे सिम कार्ड खरीदेंगे? नहीं, हम एक ऐसे बंदे का फोन इस्तेमाल करेंगे जिसका हमसे कोई लेना देना ना हो। मतलब किसी का मोबाइल फोन चुराएंगे अपन। राइट। एक बात है जिसे तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो भाई, जिसे अवॉइड करना नामुमकिन है। शक का फैक्टर, करीबी फैमिली पर गहरा शक। वीरू, मुंह फेर लेने से हकीकत नहीं फिर जाएगी। ये ले, तो कोई भी केस उठा किडनैपिंग का, कोई भी, घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, भाई पुलिस का शक जाता ही जाता है। अभी तो कोई भी पेपर उठा ले, तेरे ये क्राइम शोज देख, फैमिली डिस्प्यूट, मतलब पुलिस का पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही जाता है। और बड़े माहिर होते हैं, साले सब सूंघ लेते हैं। फिरौती पहुंचने से पहले ना ये लोग तेरे घर के दरवाजे पे पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है भाई, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। मेरे पापा अरविंद रंधावा एक गारमेंट शोरूम के मैनेजर हैं, मेरी मम्मी के शब्दों में मामूली से मैनेजर। सालों से मम्मी ये मामूली मैनेजर वाले मंत्र का जाप करते आई है। दुख है उन्हें, दर्द है उन्हें कि हमारे ही अपनों ने इतनी नाइंसाफी की हमारे साथ। नाइंसाफी का बदला लेना है ना वीरू, तो सेफ खेलना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत बड़ा है भाई। और शक की सुई तेरे ऊपर टिके ही ना, हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी। तू समझ रहा है, मतलब ओपन एंड शट केस की मिसाल होनी चाहिए ये। जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उनके साथ समझौता कर लो। समझौता नहीं, समझौते की एक्टिंग करनी है, और वो भी ऐसी कमाल की एक्टिंग कि तेरे अतीत का साया पुलिस के आसपास भी न मंड रहा है। ओपन एंड शट केस, और अगर ये तेरे फैमिली के झगड़े वाली बात पुलिस के सामने आ भी जाती है ना, तो उनको तेरे तक पहुंचने की लीड नहीं मिलनी चाहिए। मेरे दादाजी गुरदयाल रंधावा हमारे शहर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा ही जाना माना नाम है। मेरे चाचा जी ऋषभ रंधावा आज ये बिजनेस चला रहे हैं। ओए बाइक चलाऊंगा के बच्चे, ना का मतलब समझता नहीं है। पापा यश के पास भी है। पापा प्लीज ना। तू अभी सिर्फ 14 साल का है, तुझे कोई लाइसेंस नहीं देगा। दादाजी लाइसेंस तो रोड पे चलाने के लिए लगता है ना, मैं तो बस कॉलोनी में चलाऊंगा, बोला ना पापा से। समर बस कर, अब तू फाइनल एग्जाम में टॉप के नंबर ला, मैं तुझे गियर वाली साइकिल खरीदूंगा। पापा प्लीज दिला दीजिए ना। मतलब तक वही चलाना, मैटर क्लोज। पापा पापा प्लीज ना पापा। क्या हुआ भैया, पापा मान गए? क्या मान गए यार, गियर वाली साइकिल दिलाने की बात की है, अब नाचो खुशी में। अरे पर एक महीना गुड बॉयज की एक्टिंग की थी, होमवर्क भी पूरा किया था, और इसके बदले खाली गियर वाली साइकिल। सिर्फ 4 साल और फिर देखियो
18 बर्थडे पे ना आप एक बाइक खड़ी होगी। ओए निकम्मो, अपने ख्याली बाइक से ना नीचे उतरो और चलो चल के तैयार हो। स्कूल कुल जाना है कि नहीं जाना? मतलब आप ही हो ना असली विलन, आप ही पापा के कान भरती हो मेरे खिलाफ। हाँ ठीक है, विलन हूँ मैं और मुझे नहीं बनना अच्छी मम्मी। और बाइक तो तेरी 18 के बाद भी नहीं दे लूंगी मैं। देखा तूने लड़के कैसे बाइक चलाते हैं फुर 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 करके? एक मेरी बात सुन लो, मैं तो अपनी बाइक लेके ही रहूंगा फुर फुर फुर। गुरदयाल टेक्सटाइल्स, जिसमें मेरा और मेरे पापा का बराबर का हिस्सा होना चाहिए था, जिसके प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा होना चाहिए था और मुनाफे से आने वाली खुशियों में भी। देख बेटा, अगर तुझे स्कॉलरशिप मिल रही है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन लाखों रुपया खर्च करके मैं तुझे यूके नहीं भेज सकता पढ़ाई के लिए। हमारी हैसियत नहीं है। सिर्फ हमारी हैसियत नहीं है, उनके बच्चों को तो फालतू की चीजें भी मिलेंगी और मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। उन लोगों की वजह से हमें अपनी जिंदगी इतनी नाप तोल कर जीनी पड़ रही है, लेकिन आप तो चुप रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, कुछ रहेंगे एक मैनेजर के मामूली से होते। बस कर संगीता, बस कर। अगर पापा जी ने मेरे साथ सोते लो जैसा व्यवहार किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हैं? एक तो मैं उनकी नाइंसाफी झेलूं, ऊपर से तेरे ताने। तो झेल सिर्फ आप रहे ना, हम लोग तो ऐसे ही शिकायत कर रहे हैं। हमें तो ये ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है ना। बचपन से मैं मम्मी पापा को ऐसे लड़ते देखते आया, मम्मी को आज तक कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और इस सब की वजह वो एक आदमी। मेरे दादाजी ने मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे साथ गलत किया, और मेरे चाचा जी ने ये गलत होने दिया। देख वीरू, अबे हमारा प्लान सिर्फ तभी कामयाब हो सकता है जब तू तेरे दादाजी, तेरे चाचा जी और वो उनके बच्चे समर और अमन का दिल जीत ले, सुलह कर ले उनसे। और अमन को 100% भरोसा होना चाहिए तेरे ऊपर। उसे भरोसा होगा, वो तभी तेरे पास आएगा और फिर हमारे साथ। और उसके बाद अपन फिरौती मांगेंगे, वो लोग दे देंगे और पुलिस अपना सर खुजा दे बैठेगी जिंदगी भर, और अपन लोग विदेश जाएंगे आगे पढ़ने के लिए। उनसे मैं इतनी नफरत तो करता ही हूँ कि उन्हें बर्बाद करने के लिए उनसे दोस्ती तो क्या उनके गले भी लग सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे जिस खुशी से दूर रखा उसी खुशी को छीनूंगा मैं। रोएंगे वो लोग। प्लान था वीरू के चाचा के दूसरे बेटे 11 साल के अमन को किडनैप करने का। फिरौती के पैसों से वीरू फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस भरने की सोच रहा था और अपने दादा और चाचा की फैमिली को तड़पते हुए देखना चाहता था। वीरू और उसके दोस्तों ने एक क्राइम शो को देखकर इस किडनैपिंग और मर्डर का प्लान बनाया था। जी नमस्ते। चीतर आना, अंदर आ जा। बैठ बैठ। तुझे बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे तुझे देख के। बच्चों को बुलाती हूँ मैं। समर, अमन, अरे जल्दी आओ तो। समर, हाँ। अरे आके देख तो सही कौन आया है। यार मम्मी गेम भी खेलने नहीं देते हो आप। अरे अमन तू भी आ। पहचानो, पहचान पहचान। वीरू भैया। चाची ये समर है, कितना बड़ा हो गया है। और ये छोटे तो मुझे पहचाना ही नहीं। अमन बेटा तेरे अरविंद ताऊ जी है ना, उनके बेटे हैं ये, तेरे बड़े भैया वीरू भैया। अच्छा तुम लोग बैठो बातें करो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। बैठ। मैं दादाजी के घर एक अरसे के बाद आया था। चाची और छोटे भाइयों को आखिरी बार कब मिला था मुझे याद भी नहीं, लेकिन 4 साल पहले की रात मुझे याद है। दादाजी मिलने आए थे हमें हमारे घर, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता।
जीते रहे, जीते रहे। दादाजी ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो मेरे पापा पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे थे। परमिंदर को जानता है तू, मेरा दोस्त बाजवा पर्स वाला, वही वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैंने उससे बात की, वो एग्री हुआ तुझे नौकरी देने, उसके शोरूम का तो मैनेजर होगा। पापा ये मैं मैनेजर? पापा जी हमारी अपनी मेल में क्यों नहीं? तुम अगर बीच में ना ही बोलो तो बेस्ट रहेगा। तेरी उम्र और काबिलियत के हिसाब से रोज रोज ऐसी नौकरियां नहीं मिलती और शायद ना ही कभी आएंगी। दूसरा मौका मिला है जिंदगी में, अपने स्वभाव पर काबू रख और घर को देख। इससे ज्यादा मैं तेरे वास्ते और कुछ ना कर पाऊंगा, चलता हूं। जी तेरे। मेरे पापा को ये नौकरी मेरे दादाजी ने मानो एहसान के तौर पर दी थी। एहसान था, भीख थी, तरस था, जो भी था उसका नतीजा सिर्फ एक था, जिल्लत, अपमान, एक दर्द भरा घाव जो सालों में भरने के बजाय नासूर बन गया था मेरे अंदर। और अब वैसा ही घाव, उतना ही दर्द मैं उन्हें देने वाला था। ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा ना हो। वे पहले ये तो लॉक कर ले कि अमन को कहां से उठवाना है। वो तुम दोनों करोगे, मैं अमन के सामने नहीं आ सकता, ऑब्वियस है। लेकिन वीरू तू एक बात बता, देख तू तो प्लान के खातिर उनसे सुलह करने के लिए मान गया, पर तेरे मम्मी पापा भी मान गए। क्या तू पापा जी के घर गया था, चाची और अमन समर से भी मिला? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू फिर से दलील कराना चाहता है हमें? मम्मी ऐसे बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और क्या दिक्कत है उनसे मिलने में, वो भी तो परिवार है हमारा। तो तुझे क्या लगता है तेरे एक बार वहां होकर आने से तेरे दादाजी और चाचा जी हमें अपना लेंगे, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दे देंगे? मम्मी देखिए मुझे जो लगा मैंने वही किया, चाची बच्चे सब लोग खुश थे मुझे देखकर, और क्या दिक्कत है, मुझे अच्छा लगा वहां जाके। और मैं तो कहता हूँ एक बार आप लोग भी जाके उनसे मिल लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तू भूल रहा है कि गलती उनकी थी। ठीक है गलती उनकी थी, पर हम तो सुधार सकते हैं, उन्होंने पहले की तो हम तो कर सकते हैं। और एक बात मुझे गारंटी के साथ पता है कि वो लोग भी यही चाहते हैं। वीरू आया था? जी बाबूजी। वीरू भैया ना बहुत अच्छे, मुझे उनके साथ बहुत मजा आया। मैं क्या कह रही थी कि वो खुद सामने से चल के आया, क्या हम लोग पिछली बातों पे मिट्टी नहीं डाल सकते? वो भी तो इन दोनों का बड़ा भाई ही है ना। पापा जी मुझे भी किरण की बात सही लगती है, इतने साल बीत गए, इतना पानी बह चुका है, और मुझे भी ऐसा लगता है बाबूजी कि हमें अपने गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। आज सुबह दादाजी का सामने से फोन आया था पापा के पास, मुझे लगता है अब सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। देख भाई रातों रात टूटे हुए रिश्ते जुड़ते नहीं है, और हमको भी कुछ खास जल्दी थोड़ी नहीं, ये सारा टाइम अपनी प्लानिंग परफेक्ट करने में लगा देंगे, अमन की हर मोमेंट को बारीकी से ऑब्जर्व करने में लगा देंगे, और सही वक्त आने पर अमन को उठाएंगे, 50 लाख मांगेंगे, जेब हल्की होगी उनकी और दिल भारी। वो कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने। अकेला कभी नहीं रहता है वो, स्कूल हो या कहीं हो, या तो समर होता है उसके साथ नहीं तो उसकी माँ होती है। मतलब उसे अकेले कॉर्नर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटा सा मौका है हमारे पास अजय, देख जब स्कूल खत्म होता है और बच्चे बस की तरफ जाते हैं तब अमन का ग्रुप वहां पहले पहुंचता है, समर का बाद में। यही
यही एक मौका है हमारे पास जब हम उसे बुला सकते हैं। और कोई तरीका है ही नहीं, कोई और टाइम। वीरू तू पता कर पाएगा? देखो यार, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली में सब कुछ अब बेटर होने लगा है, लेकिन मुझे इतनी बारीकी से पता नहीं है कि अमन अकेला कब मिलेगा। मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। ऐसा लगता है ना जैसे कल की ये बात हो, जब हम सब साथ में रहते थे। ये समर, ये तो मेरे पेट में था, और वीरू 5 साल का। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे पिछली जिंदगी हो। सब कुछ कितना बदल गया है ना तब से। हम लोग कितना बदल गए हैं। हम चाहे ना तो फिर से सब कुछ बदल सकते हैं, और प्यार से तो और भी जल्दी बदल सकते हैं, है ना भाभी? किसी थिएटर प्रोडक्शन की तरह महीनों से इस किडनैपिंग की रिहर्सल चल रही थी, प्री प्रोडक्शन चल रहा था। इस परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की घड़ी अब करीब आ गई थी। दे मैं निकलता हूं। हाँ रुक, वैसे तो मैंने इसके सारे स्टिकर मार्क्स निकाल दिए हैं, और रास्ते पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, लेकिन अपने को कोई चांस नहीं लेना है, और ब्लैंक हेलमेट किसी को याद ही नहीं रहेगा। ले ले। पर से मैं गॉगल्स भी पहनूंगा, अगर स्केच बनाने की नौबत भी आएगी तो पुलिस का आर्टिस्ट क्या स्केच बनाएगा? अरे आप में से कोई कारपेंटर है क्या? हम दोनों ही कारपेंटर सर। पर यार मुझे एक ही चाहिए था। चलिए मैं चलता हूँ। बैठो। बैठ गए? चलिए। क्या हुआ साहब? अरे बस यहीं रुकना है, पापा आएंगे, वो आपको ऑफिस ले जाके काम दिखा देंगे। कितनी दूर ऑफिस? अरे यही 10 मिनट का रास्ता है, पर क्या है ना वो ऑफिस की चाबी पापा के पास ही रहती है। अच्छा रुको, मैं पापा को फोन कर लेता हूँ, एक सेकंड। ना फोन, लगता है मैं फोन घर पर ही भूले हैं। अब पापा को कैसे फोन करूँ? अरे आपके पास फोन होगा ना, आपका फोन दो ना, मैं पापा को फोन करके बता देता हूँ कि हम पहुँच गए। हेलो। हाँ अच्छा सुनो, अगर 3-4 दिन का काम होगा तो कर लोगे ना? कहीं बिजी तो नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे हो, 3-4 दिन का काम होगा, मैं दौड़ा दौड़ाऊंगा, अपना काम तो मजदूरी करना है ना साहब। हेलो पापा। अरे मैं बोल रहा था, हाँ मैं पहुंच गया हूँ कारपेंटर को लेकर, आप कहाँ पर हैं? अरे ये अपना जैन चौक का बड़ा वाला पेड़ नहीं है, उसके सामने खड़ा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। अरे 5 मिनट वेट कर सकेंगे आप? हाँ कर लूँगा। अरे वो क्या है ना, आज ही सारे काम बिगड़ने थे, उधर पापा की गाड़ी बिगड़ गई है, तो मैं बाइक से जाता हूँ, पापा को लेके आता हूँ, फिर आप और पापा बाइक से निकल जाना। जैसा ठीक समझा। पर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं आपका फोन लेके जाता हूँ, 5 मिनट में लाके दे दूंगा आपको, आप यहीं रुकना, मैं आता हूँ अभी बस। क्या कह रहे, किडनैप नहीं कर सकते का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना
अपने चाचा की फैमिली से मिलने के बाद तेरा प्लान चेंज हो गया हो? पैसों से ज्यादा कहीं तेरे को उन लोगों से प्यार हो गया हो? नहीं, मकसद वही है, दर्द देना उन्हें, चोट पहुंचानी है। तो फिर माजरा क्या? देख देख, सब कुछ प्लान हो चुका है, हमें पता है कि हमें अमन को स्कूल के बाहर से उठाना है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है हमारा प्लान परफेक्ट नहीं है। किसी एंगल से परफेक्ट नहीं है? तूने कभी सोचा है अगर मैंने अमन को स्कूल बस के पास अपने पास बुलाया तो, और वो नहीं आया तो, या उसे समर को बुला लिया तो, और अगर मैं पकड़ा गया तो वहां पे जाके? और सबसे बड़ी बात, अगर हम पहली बार में उसे उठाने में कामयाब नहीं हुए तो दूसरी बार वहां जाकर वही काम करना, 100% फंसेंगे। भाई मेरे, तू नेगेटिव सोच ही मत। स्कूल से लेकर सरदोली गांव तक पूरा रूट स्टडी किया मैंने। एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है रस्ते में, और घर घर पूरा साफ है, कोई पंगा नहीं है, जीरो रिस्क। ये देख, ये फिरौती का कॉल करने के लिए फोन भी अरेंज हो गया अपने पास, और लाश फेंकने के लिए तालाब भी मार्क कर लिया हमने। एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पर, और तेरे को तेरी फैमिली को मिले हुए उन लोगों से 4 महीने हो चुके हैं। तू कह रहा है अमन तेरे पास नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है यार? और कोई तेरे पे क्यों शक करेगा? देख फिर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा यार, अमन को नहीं उठा सकते, मतलब नहीं उठा सकते। अभी लाइफ के 8 महीने दिए मैंने इस प्लान को, 3 हज़ार बैठ के तेरे क्राइम शोज देखा है, सबके एक एक गलतियां नोट की हैं, तो अब सब प्लान हो गया तो तुझे नहीं करना। अपना गुस्सा कंट्रोल में रख, समझा? बदले की आग को क्या हुआ तेरी? ठंडी पड़ गई? और तेरे यूके में पढ़ने के प्लान को क्या हुआ? बे सोच, 50 लाख रुपए मिलेंगे हम लोगों को, 50 लाख सब बांटेंगे तो लगभग 16.5 लाख रुपए है। अरे प्लान शुरू किसने किया था? है तूने, तूने कहा था भाई बदला लेना मेरे को। अरे बदला लेना है, बदला भी लेना है और पैसे भी चाहिए, और उन्हें जिंदगी भर का दर्द भी देना है, लेकिन अमन के जरिए नहीं। अमन बहुत रिस्की है, समर को उठा दे। समर को? अबे तू पागल है, समर 14 साल का, उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनिफॉर्म हाथी को भी बेहोश कर देता है। तो मेरे भाई को मिलना भी तो चाहिए अकेला। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैंने समर के मोमेंट्स को बहुत बारीकी से स्टडी किया है, वो अकेला मिलेगा हमें। हलवा कैचा आराम से हाथ में आएगा। अरे वीरू भैया, कहाँ जा रहा है समर? अरे वीरू। चाची नमस्ते, मैं बस ये पास से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। जी तर, अच्छा किया, अब रोटी खा के जाना। अच्छा वीरू भैया, अभी मेरा क्लास है, मैं 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, आपसे खूब सारी बातें करनी है। बेटा संभाल के जाना। इसमें संभालने जैसा क्या है, खटारी तो है, बैलगाड़ी की स्पीड पे चलती है। समर तू एक काम करना, साइकिल ही छोड़ दे, तुझे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, चाची मैं ले जाऊँ बाइक पर। वीरू सुन बेटा, ये ना बाइक पे चलाने की जिद करेगा, बिल्कुल तेरे को कसम है मेरी, अगर तूने चलाने दी इसको। ओ मम्मी डार्लिंग, अपनी कसम वसम वापस ले लो, मुझे पहले से बाइक चलाने आती है। है? है। फिर तो तुझे डबल कसम है अगर तूने इसे बाइक चलाने को दी तो। चाची आप फिक्र मत करो, जब तक ये 18 का नहीं होता ना, ये मेरे पीछे ही बैठेगा। आ जा हीरो, चल। वीरू भैया मैं भी ट्रिपल ले लो। और चुप कर, ट्रिपल ले लो, ट्रिपल। तू रेडी रहना, मैं समर को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तुझे घुमाने लेके चलूंगा। संभाल के चलाना। वीरू भैया, किसी दिन मुझे भी बाइक चलाने दो ना, मम्मी तो अलाउ ही नहीं करती, और ऊपर से ना पापा के भी कान भर के रखी, नो बाइक बिफोर 18। चल ठीक है, किसी दिन मौका देखकर तुझे ओपन फील्ड ले जाऊंगा, हाँ जितनी मर्जी है बाइक चला लेना। पक्का ना? पक्का। समर ट्यूशन क्लासेस साइकिल पे जाता है, बड़े आराम से उठा सकते हैं मुझे। बाजार से आलू प्याज उठाने जितना आसान तो नहीं है ना, फिर से पूरे रूट की स्टडी करो, बिना सीसीटीवी कैमरे का रास्ता मैप करो, मतलब सब कुछ वापस से करो, डबल मेहनत करो। लेकिन जीरो रिस्क। समर को माधे रास्ते बेला फसला कर लिया, उसके बाद तुम लोगों से जेब में डाल के ले जाना। और दूसरी बात, अगले हफ्ते से स्कूल की छुट्टियां चालू है। मतलब एक हफ्ते में हम पूरी प्लानिंग वापस से कैसे करेंगे? पूछ इससे। स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन ट्यूशन क्लासेस चालू रहेंगी, टाइम की टेंशन नहीं है हमें, हमें सिर्फ काम परफेक्टली करना है अपना, इससे बेटर मौका नहीं होगा हमारे पास। गुरदयाल, उसका दूसरा बेटा ऋषभ और ऋषभ की पत्नी किरण, इन तीनों को हल्का सा भी शक नहीं हुआ कि 14 वर्षीय समर को अब जान का खतरा है, और पहले शिकार 11 वर्षीय अमन था। दूसरी तरफ वीरू के माँ बाप को भी बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके बेटे की तरफ से ये टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश दरअसल बदले के इरादे से की गई साजिश का एक हिस्सा था। तो तुझे हमारी दवाई का सैंपल मिलता, और याद रख हमारी दवाई बहुत कड़वी है। जिसके बोलो उसके शपथ खाने को तैयार हो साहब। मैं तो एक साल से याशी के कॉम्प्लेक्स में गई ही नहीं हूँ। मैं बटाटे की बोरी लेने बाहर जा रहा था तब मैंने देखा, और फिर इसने आकर मुझे बताया। और वीरू अपने दोस्तों के साथ सीरियस अध्ययन में लगा हुआ था,
कि इस तरह इस परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग की जाए ताकि तहकीकात उनकी चौखट तक कभी ना पहुंचे। अब शिकार की घड़ी बहुत पास आ गई थी। वीरू, अजय और कमल ने जुर्म के सारे निशान मिटाने की बारीकी से प्लानिंग कर ली थी। एक परफेक्ट क्राइम होने जा रहा था, एक ऐसा जुर्म जो नफरत के दलदल से जन्मा था और लालच की गोद में पला था। पूरे पास गए रहे, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बाइक की तरह। भैया, ये साइकिल मैं भी चलाऊंगा, बोल देता हूँ। हेलो, पापा ने सिर्फ ये मेरे लिए खरीदी, ओके, तो इसे मैं ही चलाऊंगा। हाँ, तो चला सकता है कभी कभी, लेकिन बच्चों अगर इस पर एक भी खर्च आइए ना तो तू देख लियो, वो तेरी आखिरी राइड होगी। ये क्या रूल है, मैं नहीं मानता ये रूल। नॉट फेयर समर, अमन तेरी साइकिल नहीं तोड़ेगा, अच्छे से चलाएगा। क्यों अमन? भैया आप इसे जानते नहीं हो, ये ना कुछ भी तोड़ सकते, इसे कुछ नहीं आता। भैया ये तो मुझे डफर ही समझता है। अमन तू चिंता मत कर, 3 साल बाद इसकी बाइक आ जाएगी, फिर ये साइकिल तेरी। मैं 3 साल वेट नहीं करूंगा, मैं पापा को बोल के थोड़े दिन में ही ऐसी साइकिल खरीद लूंगा, वो भी गियर वाली। तो जाना भाई, मंगवा ले, जा भाई, गुड नाइट। समर, चलो भाई, बहुत हो गई तुम्हारी गियर वाली साइकिल की पूजा, कुछ खा पी लो। वीरू तू भी चल बेटा, आ जा। अरे चाची, ये समर और अमन मुझे साइकिल के बारे में समझा रहे हैं। साइकिल वैसे अच्छी है चाची, कभी कभार मन करता है कि भाई बच्चा बन जाऊं, बचपन बहुत अच्छा था। हाँ ये तो है, बचपन कभी लौट के थोड़ी ना आता है। अच्छा चलो चलो, जल्दी आ जाओ। समर तू सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ मम्मी, आता हूँ। हाँ फिर। हाँ कल स्ट्राइक करते हैं। बहुत होगी नेट प्रैक्टिस, सीधा गेम। क्यों वीरू खामोश है तू? फिर से प्लान चेंज करने का इरादा तो नहीं है तेरा? ना, कल करेंगे। एक तीर से 2 निशान, बदला और पैसा। क्लास के लिए निकल जाओ। अरे क्या है भैया, आपको आउट कर दिए। समर मेरी बात सुन, पहले गियर में गाड़ी चलाना, सुन रहा है ना? ये लो, ऐसा ही था तो फिर गियर वाली साइकिल क्यों लेके दी, पहले वाली खटारा ही चला लेता। बाय बाय। बाय। वीरू भैया आप या? ट्यूशन जा रहा है। हाँ अपना तो वही रोज का, लेकिन आप या? कुछ नहीं, मैं तो बस तेरे घर जा रहा था, फिर सोचा कि तू इसी रास्ते से ट्यूशन जाता है तो तेरा यहीं वेट करने लगा। कुछ काम था? देख मैं तुझे बताऊंगा ना, वो हमारे बीच में रहना चाहिए, चाचा चाची दादाजी या फिर अमन, तो किसी को नहीं बताएगा। हाँ मैं किसे बताऊंगा, बोलो ना। बाइक चलाएगा? बाइक? हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी की बैक रोड खाली रहती है, बोल यार। लेकिन अभी मेरा 5 मिनट में क्लास है, हम क्लास के बाद चल सकते हैं? क्लास के बाद जाएगा तो चाची को पता लग जाएगा ना, बेकार का बवाल होगा। लेकिन अगर क्लास नहीं जाऊंगा तो भी तो मम्मी को पता चल जाएगा। एक दिन क्लास बंक कर लेगा ना तो ट्यूशन वाले देखकर फोन नहीं कर देंगे। वो तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन मैं कभी क्लास बंक नहीं करता। ठीक है तेरी मर्जी, मुझे लगा तुझे बाइक चलाने में इंटरेस्ट है इसलिए सिखा दूंगा। तो मार लूं बंक? मैं तो सोचता भी नहीं और पूछता भी नहीं, एक दिन क्लास बंक कर लेगा तो तेरा ना तो मेरे अपने नाम आ जाएगा ना ही निकल जाएगा। बाकी तेरी मर्जी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते।
चलो फिर आज क्लास की छुट्टी, आज बाइक चलाएंगे। लेकिन ये साइकिल का क्या करूं? साइकिल वही पार्क करते जहाँ हमेशा पार्क करता है, वो तेरे ट्यूशन क्लास के बाहर। मैं तेरा मेन रोड पे वेट करता हूँ। ठीक है, चल दिया ना। ऐसा दिन था जब समर के घर वाले चिंता और डर के भवंडर में खिंच जाने वाले थे। वो एक ऐसा दिन था जब कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे समर के माता पिता और दादाजी को लंबे अरसे तक एक ही सवाल को रेंदने वाला था कि आखिरकार उनके बड़े बेटे समर के साथ क्या हुआ। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन वीरू के पिता अरविंद रंधावा को इस बात का पता ही नहीं चलने वाला था कि उनका बेटा वीरू एक भयंकर गलती करने जा रहा है। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन वीरू की मां संगीता की सालों की शिकायत पर एक्शन लिया जाने वाला था। अरे वीरू भैया, हम यहां प्रैक्टिस करेंगे। अरे नहीं यार, हम बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर यहां क्यों? तू क्वेश्चन बहुत पूछता है, आ जा, तुझे अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। समर, ये कमल है और वो अजय, और ये मेरे चाचा का बेटा समर है। क्या हाल है समर? समर, तू एक काम कर, तू बाइक पर अकेला, हम तेरे पीछे कार में आते हैं। मैं अकेला? आप मेरे पीछे नहीं आओगे? अरे तू चला लेगा यार, जा। सच में जाऊँ? अरे सच में जा, तू चाचा जी। अब बवाल हो रहे तो उसके बाद कमल तू घर पे फिरौती के लिए फोन करेगा।
एक काम खत्म, अब रोकड़ा। अरे ऐसे कैसे, ट्यूशन क्लास के लिए निकला तो था वो। नहीं आंटी, मैं परमजीत और सचिन तो क्लास में ही थे, पर समर नहीं आया। हाँ, पर उसकी साइकिल क्लास के बाहर पार्क थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं किरण जी, समर आज ट्यूशन नहीं आया। हाँ उसकी साइकिल जरूर बाहर पार्क है, लेकिन वो अंदर नहीं आया। तूने उसके दोस्तों से बात की? परमजीत, सचिन, विवेक सबसे बात हो गई मेरी, क्लास के टीचर से भी बात हुई। सबका यही कहना है कि वो क्लास में आया ही नहीं है और उसकी साइकिल बाहर खड़ी हुई है। डेढ़ घंटे की क्लासेस, अक्सर 4 बजे पहुंच जाता है वो, 5:30 बज रहे हैं। इतनी देर के लिए गया काम? आप अभी के अभी घर आ जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं बस पहुंचा ही समझो। क्या हुआ ऋषभ, घर पर सब ठीक है? पापा जी, समर ट्यूशन क्लास गया था, साइकिल बार पार्क्ड है, लेकिन लड़का अंदर गया ही नहीं। डेढ़ घंटे के क्लासेस होते हैं, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है, घर भी नहीं पहुंचा अभी तक। तो फिर कहाँ चला गया वो? नहीं तो वीरू तो घर पर ही है। लो तुम बात कर लो उससे। वीरू, वीरू। हाँ मम्मी। लेकिन हुआ क्या है बेटा? ये किरण चाची का फोन है, पूछ रही है तुम्हारी समर से कुछ बात हुई थी क्या, तुम उससे मिले थे क्या? नहीं तो क्या हुआ? तो बात करो। हेलो, वो समर ट्यूशन क्लास गया था, अभी तक घर ही नहीं लौटा। और टीचर का कहना है कि वो क्लास में भी नहीं आया। 3:30 बजे क्लास खत्म होती है और 4 बजे तक घर भी आ जाता है। अब तो 5:30 हो रहे हैं, उसका कुछ पता ही नहीं है। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आता हूँ बस। क्या हुआ? चाची कह रही है समर मिल नहीं रहा है, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे ला, मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ, हम लोग भी पहुँचते हैं वहाँ। अरे आप चिंता मत करो, कोई मूवी भी चला गया होगा चाची से झगड़ा करके, मैं देखता हूँ, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे? मैं निकलता हूँ, कुछ ही देर में समर के घर में खलबली मचेगी, सब जगह इधर उधर फोन जाएंगे, मेरे घर भी जाएगा। ठीक है तू निकल, हम तेरे को ठीक 7:15 बजे फोन कर देंगे। अरे सुन, तू वापस आएगा 8:30 तक, बॉडी ठिकाने लगानी हमने। माना समर बहुत मस्ती करता था, लेकिन इस तरह बिना बताए कभी कहीं नहीं गया। मैं क्या कहता हूँ, तुरंत पुलिस के पास चलते हैं। हाँ पापा जी, कुछ गड़बड़ जरूर है, अगर उस समर कहीं फंस गया होता तो कहीं से एक फोन तो कर ही सकता था ना। उठिए चलिए पापा जी। ये तो कोई अननोन नंबर है, उठा उठा फोन, उठा ले, समर का हो सकता है। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? समरजीत के पापा से बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऋषभ, समर का पापा। अरे कौन बोल रहा है? क्या बात है? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, ना पुलिस के पास जाना ना शोर मचाना। शोर मचाया आपने तो आपका लड़का हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, मतलब मार डालेंगे हम उसको। क्या क्या बोल रहे हैं आप, चाहते क्या हो? 50 लाख पैसे दो, लड़का लो, मैं फिर कॉल करूंगा ये बताने के लिए कि पैसे कहां पर चाहिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कैश रेडी करो। और फिर कह रहा हूं नो पुलिस, अगर पता चलता है कि पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो गला काट कर फेंक देंगे समर का। हेलो हेलो, क्या हुआ, किसका फोन था? किसी ने समर को किडनैप कर लिया। क्या है? किडनैप? 50 लाख रुपए मांग रहा है और बोला कि अगर पुलिस को बताया तो समर को मार डालेगा। पर ऋषभ ये है कौन आदमी? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं किसका फोन था ये। पैसे कहाँ देने? बोला कि वापस फोन करूंगा। तू ऐसा कर, इस नंबर पे वापस फोन लगा। स्विच ऑफ आ रहा है। हम पुलिस के पास चलते हैं। देखो हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा, हम पुलिस को सब बता देंगे, वो इस कॉलर को ढूंढ निकालेंगे। बेटा यहाँ पे सवाल 50 लाख का नहीं है, सवाल ये है कि समर उनके पास है भी या नहीं। चलो मेरे साथ, चलो बेटा। अभी हम पुलिस स्टेशन होकर आएंगे, तो ध्यान रखियो यहाँ। अरे जान अटके उन लोगों की समर में, चुपचाप 50 लाख कैश निकाल के दे देंगे, मुझे लगता पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन बाय चांस मैं फिरौती का कॉल करता हूँ और तेरे चाचा समर के पापा बोलते कि वो पुलिस के पास ही जाएंगे,
ऐसा हुआ तो? भाई अगर ऐसा हुआ तो वीरू तेरे को संभालना पड़ेगा, तेरे को रोकना पड़ेगा उन्हें पुलिस तक जाने से। अरे फिर तो बेटा करके, अगर मैंने उनको रोका तो वो लोग मुझसे शक करेंगे। तो क्या करें, पुलिस के पास जाने दे उन्हें। अरे मेरे दादाजी और चाचा जी के पास बहुत पैसा है, 50 लाख तो यही ऑफिस में पड़े रहते होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो समर की लाइफ के साथ रिस्क लेंगे। हम पैसे मांगेंगे और वो लोग दे देंगे। समर भी वापस आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। साला हो क्या रहा है यार वहां पर? वीरू है ना, सब संभाल लेगा वो। कोई डेवलपमेंट होगी सब बता देगा हमें वो। अरे यार संभालो, हम लेगा वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई प्लान भी है ही नहीं। अगर वो लोग पुलिस के पास चले गए तो क्या करेंगे हम? हमने कुछ सोचा ही नहीं है। अरे यार तू नेगेटिव मत सोच यार, वीरू आता ही होगा, फिर ये इस लाश को ठिकाने लगा देंगे हम लोग, ठीक है? सुबह फोन करेंगे फिरौती के लिए, पैसे उठाएंगे और यहाँ से रफो चक्कर। जैसा प्लान सोचा था एकदम वैसे ही होगा। जिस तरह से जुर्म की प्लानिंग हुई थी उसी तरह से प्लान को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब वो हो गया था जो तीनों दोस्तों ने सोचा भी नहीं था। समर के पिता, दादाजी और वीरू के पिता तीनों पुलिस के पास चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। समर के घर वालों को क्या मालूम था कि उनका गुनहगार उन्हीं के घर का था, जिसने उनकी सारी खुशियां सारे अरमान कुचल कर रख दिए थे। पीड़ित और मुजरिम दोनों की दुनिया में डर, दुविधा और दर्द फैलता जा रहा था। तीनों युवक फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स थे। एक क्राइम शो को स्टडी करके इन्होंने अपने परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग की थी, लेकिन क्या परफेक्ट क्राइम कभी मुमकिन होता भी है? कल रात सीआईडी के बाद हम इस केस का दूसरा और आखिरी भाग पेश करेंगे। करेंगे इस जुर्म को आग देने वाले जज्बात का पोस्टमार्टम। पता करेंगे कि वीरू के दिल में इतने सालों से पल रही नफरत और गुस्से की वजह क्या थी। इन दो परिवारों के अतीत में छुपा था वर्तमान के इस घोर अपराध का बीज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।